वेल हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैंडी एंड द इंक मशीन गेम की स्टोरी को। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत 1966 में होती है, जहां हेनरी स्टाइन को उसके पुराने दोस्त जोई ड्रू का लेटर आता है, जिसमें वो लिखता है कि हम दोनों को काम करते करते 30 साल निकल गए और तुम्हें अपने शहर की पुरानी वर्कशॉप में आना होगा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर हेनरी स्टूडियो में एंटर करता है और स्टूडियो में जोई का सीक्रेट ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते जनरेटर रूम में आ जाता है, जहाँ उसको जनरेटर को ठीक करने के बाद उसे एक्टिव करने के लिए हेनरी इंक मशीन वाले रूम में जाता है, जहाँ मशीन को ऑन करने के लिए उसको 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको ढूंढने के बाद हेनरी मशीन को ऑन कर देता है और जनरेटर रूम की तरफ जाता है। वहाँ हेनरी को एक कार्टून डेविल दिखता है, जिसे देख हेनरी भागने लगता है और स्टूडियो में इंक भरने लगती है। साथ ही हेनरी भागते वक्त बेसमेंट एरिया में गिर जाता है, जिसके सामने एक व्हील होता है जिसे घुमाकर इंक कम हो जाती है। फिर हेनरी सीढ़ियों की मदद से एक रूम में जाता है, जहां उसको कुलाड़ी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो दरवाजे पर लगे लकड़ियों के फट्टे उखाड़ फेंकता है, जो आगे एक रिचुअल के बीच में खड़ा हो जाता है और फिर बेहोश। होश में आने पर वो म्यूजिक डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ उसको सीढ़ियों की तरफ एक लीवर मिलता है, जिसको खींचने पर इंक क्रिएचर हेनरी को मारने लगते हैं, जिन्हें द सर्चर्स कहा जाता है। फिर हेनरी रिकॉर्डिंग रूम में जाता है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने पर एक गेट खुलता है और अंदर एक व्हील घुमाने के बाद वो सीधा म्यूजिकल डायरेक्टर सनी लॉरेंस के ऑफिस में जाता है, जहां लीवर खींच के वो सीढ़ियों की मदद से नीचे जाता है, जहाँ का टास्क पूरा करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलता है। पर बीच में हेनरी पर सैमी लॉरेंस हमला कर देता है और सैमी लॉरेंस की पूरी बॉडी इंक में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिनने बैंडी कैरेक्टर का फेस मास्क पहन रखा है और बोलता है कि मैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस करूँगा। ये बोलकर सैमी लॉरेंस एक रूम में चले जाता है और सामने वाला दरवाजा भी खुल जाता है। फिर हेनरी अपनी कुलाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ हेनरी को मारने बैंडी आ जाता है, जिससे बचने के लिए हेनरी एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है और किसी दूसरे दरवाजे के अंदर जाता है, जहां हेनरी बोरिस से मिलता है, जिसे बड़ी बोरिस के नाम से जाना जाता है। फिर हेनरी बोरिस के सेफ हाउस क्वार्टर में जागता है, जिसके बाद हेनरी यहां से टॉय डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहां उसको इंक क्रिएचर ट्विस्टेड एलिस मिलती है, जो एक्ट्रेस सूजी कैम्बल और कार्टून कैरेक्टर एलिस एंजल का टेढ़ा मेढ़ा वर्जन है। फिर हेनरी ट्विस्टेड एलिस को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में आ जाता है। यहाँ वो किसी को टॉर्चर कर रही होती है और थोड़ी बातचीत के बाद हेनरी लिफ्ट में जाता है। यहाँ पर बड़ी बोरिस भी होता है, जो यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन ट्विस्टेड एलिस उन्हें डबल क्रॉस करती है और उनकी लिफ्ट को क्रैश करके नीचे गिरा देती है। फिर बड़ी बोरिस हेनरी को जगाता है क्योंकि ट्विस्टेड एलिस उसके पीछे से आती है और बड़ी बोरिस को पकड़ के अंधेरे में ले जाती है। हेनरी के होश में आने पर वो बड़ी बोरिस को ढूंढता है, जिसे वो ढूंढते हुए फन पार्क पहुंचता है, जहां वो पावर स्टेशन के चारों स्विच को स्टार्ट करके एक वेयर हाउस का गेट खोलता है, जिसके अंदर वो हॉन्टेड राइड का मजा लेता है। जिस बीच उसे पता चलता है कि बड़ी बोरिस को ट्विस्टेड एलिस ने ब्रूट बोरिस नाम के मॉन्स्टर में बदल देती है, वो आगे जाकर हेनरी की गाड़ी को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। फिर हेनरी ब्रूट बोरिस को मार देता है और वो इंक में बदल के गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ ट्विस्टेड एलिस आ जाती है, जिसकी छाती में किसी ने पीछे से तलवार मारी होती है और ट्विस्टेड एलिस वही मर जाती है। और जिनने उसको मारा वो और कोई नहीं एलिसन एंजल ही होती है और साथ में कार्टून कैरेक्टर टॉम, जो कि वुल्फ है, जिसके बाद वो दोनों हेनरी को बंदी बना लेते हैं। फिर हेनरी एक जेल के सेल में जागता है, जिसे एलिसन खाना देती है, लेकिन टॉम उसका खाना फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद एलिसन हेनरी को सीइंग टूल देती है, जिससे वो हिडन मैसेज को पढ़ सकता है। फिर हेनरी सो जाता है,
जिसके अगले दिन वो दोनों हेनरी को छोड़ के चले जाते हैं और फिर हेनरी यहाँ से बच के इंग रिवर को बोट की मदद से पार करता है और एक खाली शहर में आ जाता है, जिस बीच हेनरी का सामना पागल सैमी से होता है जो हेनरी की जान के पीछे ही पड़ जाता है, जो हेनरी को मारने वाला ही होता है। पर तभी वहाँ टॉम हेनरी को बचा लेता है और उसको कुल्हाड़ी देता है, जहाँ पर एलिसन भी आ जाती है और बताती है कि इस जगह को सर्चर्स और लॉस्ट वंस ने बनाया है। फिर यहाँ उन तीनों पर सर्चर्स, लॉस्ट वंस और माइनर सर्चर द्वारा हमला किया जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हेनरी आगे जाता है और नीचे गिर के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी पहुंच जाता है, जहां वो पाइप को रिपेयर करके फिल्म वॉल्ट में जाता है और वहां हेनरी को एलिसन और टॉम मिलते हैं। फिर वो तीनों बातचीत करते हैं और उसी दौरान टॉम एक दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे वो तीनों आगे जाते हैं और एक ग्लास वॉल के पीछे उन्हें इंक बैंडी दिखता है, जिसके जाने के बाद वो तीनों जायंट इंक मशीन के पास जाते हैं। फिर एलिसन से थोड़ी बातचीत के बाद हेनरी इंक मशीन में जाता है और आगे उसको एक थ्रोन मिलता है, जिसके साइड में जोई ड्रू की आखिरी रिकॉर्डिंग टेप होती है, जिसे सुनते सुनते ऊपर कई सारी स्क्रीन पर बैंडी कार्टून चल रहा है। उसके बाद हेनरी थ्रोन पे पड़ी रील टेप ले लेता है, जिस पर द एंड लिखा है, और तभी वहाँ इंक बैंडी एक बड़े से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो हेनरी को मार के दूर फेंक देता है। फिर हेनरी बीस्ट बैंडी से चार इंक से भरी ट्यूब फुड़वा देता है और थ्रोन वाले रूम में प्रोजेक्टर पर द एंड रील लगा देता है और रील चलने लगती है, और तभी वहाँ बीस्ट बैंडी हेनरी को मारने वाला ही होता है, पर वो स्क्रीन देख लेता है और फिर सारी स्क्रीन पर द एंड टेलीकास्ट होने लगता है, जिससे बीस्ट बैंडी सिकुड़ते सिकुड़ते मर जाता है। फिर हेनरी फ्लैशबैक में अपने आप को जोई ड्रू के घर में पाता है, जिनकी किचन में बातचीत होती है, जिस बीच वो ये भी बोलता है कि हेनरी तुम्हें पुरानी वर्कशॉप में जाना होगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर साइड का गेट खुलता है और हेनरी वहीं आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, यानी कि चैप्टर वन से। मेरे हिसाब से ये सारे कैरेक्टर्स किसी अननोन रीजन की वजह से एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। और एंड क्रेडिट में हमें जूही के घर के एक रूम में जंग लगी इंक मशीन दिखती है और एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें बोरिस और एलिस ने बैंडी का हाथ पकड़ रखा है और पेंटिंग की साइड में हेनरी स्टेन द्वारा जूही ड्रू के साथ अपनी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए सिग्नेचर भी किया है। और तभी एक बच्ची की आवाज आती है जो बोलती है कि टेल मी अनदर वन अंकल जूही, मतलब मुझे एक और बताओ अंकल जूही, और ये गेम यहीं खत्म होती है। मुद्दे की बात, ये गेम हमें अच्छे से बताती है कि कैसे जूही ड्रू स्टूडियोज का चैप्टर क्लोज हो गया, जो किसी टाइम पर बैंडी कार्टून के लिए कितना फेमस हुआ करता था, लेकिन समय के साथ नहीं चल पाए, परिणाम दुनिया ने भुला दिया, जो किसी समय पर मिकी माउस की तरह फेमस हुआ करता था। लेकिन आज के समय में बैंडी कार्टून को फिर से जिंदा करने के लिए इस गेम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और बैंडी आज के समय में भी लोगों के बीच में जिंदा है, जिसे हर कोई अभी भी पसंद करता है। और ये जो गेम है वो बायोशॉक से इंस्पायर है, इसलिए इस गेम को खेलते वक्त आपको बायोशॉक की याद तो जरूर आएगी। तो अगर आपने ये गेम अभी तक नहीं खेली है तो एक बार खेलना जरूर, जिसे खेलने में आपको काफी मजा आएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके मतलब का कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।